होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपको अपना होम टूर देने वाली हूँ। मैं यूएस में कहाँ रहती हूँ, मेरा घर कैसा है, मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, मैं रहती हूँ अपार्टमेंट में। सो यूएस में मेरा अपार्टमेंट है रेंट। ये है कॉरिडोर एरिया मेरे घर का डोर। सो चलिए अंदर चलते हैं। सो एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ राइट साइड में किचन है। सो ये है मेरा किचन। किचन का टूर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है किचन टूर वाली तो प्लीज आप जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो यूएस के जो घर होते हैं ना, अपार्टमेंट होते हैं, तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट, कुछ अप्लायंसेस वो मिलते हैं पहले से ही। सो जैसे ये फ्रिज है, आप कहीं पर भी किसी भी घर पे रेंट में लोगे तो ये चीजें आपको वहां मिलेंगी। जैसे ये फ्रिज है, ये यहाँ पे इनबिल्ट ही होता है। देन ये ओवन है, और अभी मैंने इसमें अपने बर्तन रखे हुए हैं। ये माइक्रोवेव है, और सबसे अच्छी चीज है ये डिश वॉशर। सो ये बहुत ही काम की चीज है। ये आराम से आप इसमें अपने जो भी गंदे बर्तन हैं वो लोड कर लीजिए, और मैं तो यूजुअली इसको रात को ही ऑन करती हूँ और मॉर्निंग में ये वॉश हो जाता है। सो ये है मेरा किचन एरिया। और चलिए अब लेफ्ट साइड में दिखाती हूँ। ये है, यहाँ पे है मेरे लॉन्ड्री। सो ये है मेरी लॉन्ड्री, और यहाँ पे रैक वगैरह लगे हुए हैं। और ये है बॉयलर, आप देख सकते हो यहाँ से ही पूरे घर में हॉट वाटर का जो भी ऑपरेट होता है वो यहीं पर होता है। सो ये है मेरा वॉशर, और यहाँ पे कुछ रैक्स हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने जो भी सूटकेस है वो रख दिया है मैंने। सो ये है, और ये है शू रैक। तो यहाँ पे जूते वगैरह हैं। तो यहाँ पे किचन में एक पैंट्री होता है जिसमें आप सारे एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा स्पाइसेस, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ रखते हो। सो अभी मेरे एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपने किचन के सामान नहीं रखे हैं, मैंने दूसरी सारी एज अ स्टोर यूज़ कर रही हूँ मैं। सो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं यहाँ रखती हूँ, और ये काफ़ी मेस है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ। आप देखो इसमें मैंने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें। किचन से अब आगे बढ़ते हैं। ये है मेन लिविंग एरिया। ये है मेरा अपार्टमेंट है 1 BHK का। सो यहाँ पे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए सफिशियंट है। सो ये है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है, और आप इस साइड में भगवान जी को मैंने रखा है, ये देखो। और इसके ऊपर एक छोटा सा वार्डरोब है, इसमें मैंने सारे जो भी चीज़ें होती हैं पूजा की वो मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल रखा है मैंने, ये है। और यहाँ के कर्टन्स ऐसे होते हैं कुछ, यहाँ पे टीवी रखी है। और यहाँ पे ना एक्चुअली समर्स में इतनी ज़्यादा धूप आती है इसलिए मैं इसको दिन में बंद करती हूँ। अब देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप आ रही है, और यहाँ पे ना धूप 8 और 8:30 तक रहती है। चलिए मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। ये है बालकनी, ये है बालकनी। यहाँ पे भी शाम को बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो चलिए अंदर चलते हैं। सो इसके बाद है ये बेडरूम, तो चलिए अंदर चलते हैं। सो दिस इज माय बेडरूम। ये है, और सो यहाँ पे एक हमारा ये क्वींस बेड है, और ये मेरी डॉटर का है, और उसमें अपने सारे मेस करके रखे हैं पूरे, अपने जितने भी सॉफ्ट टॉयज हैं। और यहाँ से भी ना, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे ये विंडो है एक, और यहाँ से भी ना बहुत अच्छी धूप आती है। ये देखिए, ये विंटर्स में तो
लेकिन समर के लिए यहाँ पे बहुत तेज धूप आती है और बिल्कुल 8:30 तक यहाँ पे धूप रहती है। सो इसको जनरली क्लोज ही करके रखते हैं। यहाँ पे भी एक टीवी लगाई हुई है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरी डॉटर को कुछ देखना होता है, हमें कुछ हम कोई भी वेब सीरीज देखते हैं तो वो अपना लगाई रहती है, तो हमने उसके लिए लगा दिया है। और यहाँ पे ये एक वार्डरोब है और ये जिसमें सारी मेरी डॉटर की चीज़ें हैं, जो भी उसके स्टडीज़ के रिगार्डिंग कलर आर्ट सब कुछ अपना रखा हुआ है इसमें। सो ये डोर है वॉशरूम का। तो ये जो वॉशरूम है ये लिविंग रूम से और बेडरूम से दोनों से कनेक्टेड है। सो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। सो लाइट कहाँ है? यस। सो ये है वॉशरूम, रेस्ट रूम। सो यहाँ पे ना ऐसे कैबिनेट्स बने हुए हैं। सो यहाँ पे हम अपने जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब मैंने रखी हुई हैं। तो ये एक यहाँ पे मिरर दिया है और यहीं पर हम लोग को जब भी रेडी होना होता है हमें यहीं पर होना होता है। और ये है, ये एरिया है बाथटब। सो ये है बाथटब। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजेट, जहाँ पे हम लोग अपने सारे जो भी कपड़े हैं वो रखते हैं। सो यहाँ पे ऐसे क्लोजेट बने होते हैं जिसमें आप अपने सारे जैकेट्स, जो भी आप कपड़े हैं वो सारे हैंग करके रखो। सो ये है हमारा क्लोजेट, छोटा सा ही है लेकिन हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। सो ये है मेरे हस्बैंड का ऑफिस, उन्होंने बना रखा है, वर्क फ्रॉम होम है। सो यहाँ पे उनके सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये है। और चलिए, तो एक डोर और है वॉशरूम का, जो कि यहाँ पे किचन में और जो लिविंग एरिया है वहाँ पर ओपन होता है। सो दोनों तरफ से ही इसका ऑपरेट होता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे ऑपरेट होता है एयर कंडीशन। तो यहाँ पे ना सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होता है, वो ये जो आप देख रहे हो यहीं से पूरे घर में सेंट्रलाइज एसी ऑन होता है और हीटर भी ऑन हो जाता है। और वो है ये वाला बटन, इससे ही एक साथ ऑफ होता है और ऑन होता है। मींस अगर आपको हीटिंग करनी हो या कूलिंग करनी हो सो एक साथ ही पूरे घर में एसी ऑन ऑफ हो जाता है। सो ये था मेरा छोटा सा अपार्टमेंट टूर। और अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।